चारा घोटाला मामले में सजायाफ्त राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबीयत में अब तेजी से सुधार हो रहा है। तबीयत में सुधार को देखते हुए जेल प्रबंधन लालू को दिल्ली एम्स से रांची वापस लाने की तैयारी में जुट गया है। होटवार जेल अधीक्षक ने एम्स निदेशक को पत्र लिखकर लालू के मेडिकल कंडीशन और रांची वापस लाने की जानकारी मांगी है। एम्स निदेशक अगर रांची भेजने पर सहमति देते हैं तो लालू जल्द ही होटवार जेल में या रिम्स में रहेंगे। लालू जी की तो अभी भी स्थिति वही है, दिल्ली में ही है। अभी 2 महीना होने जा रहा है, हम लोगों ने भेजा, जेल सुपरिटेंडेंट ने भेजा है वहाँ के एम्स के डायरेक्टर को कि उनके हेल्थ का रिपोर्ट भेजे, कि उनको और अभी आप हम लोग ला सकते हैं यहाँ, कि उन्हें और कुछ दिन रहना होगा। अभी तक रिपोर्ट वहाँ से आई नहीं है, रिपोर्ट जैसे आ गया इस संबंध में हम लोग आवश्यक लालू जी को जो यदि लाया जाएगा तो क्या रिम्स में रखा जाएगा या सीधे? नहीं, अगर वो डॉक्टर वहाँ से रेफर करते नहीं, उनको अभी मेडिकल ही उसमें रहना, चिकित्सा के पर्यवेक्षण में रहना है, तब तो रिम्स में ही रहेंगे। लिखा है कि अब चिकित्सा आवश्यक नहीं है उनकी, मतलब रेगुलर दवा खाते रहेंगे और समान चिकित्सा होगी तब तो उनको हम अपने जेल में ले आएंगे, क्योंकि जेल में हॉस्पिटल है और हम वहाँ रख सकते हैं। हालांकि लालू के वापस रांची आने से पहले ही इस पर सियासत शुरू हो गई है। इसे लेकर बीजेपी प्रवक्ता प्रफुल्ल शाहदेव ने कहा कि सरकार के इशारे पर लालू को रिम्स में हर सुख सुविधा मिल रही है और वे दरबार लगाते रहे हैं। वहीं कांग्रेस और राजद ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि लालू प्रसाद बीमार हैं और उनसे मिलना और उनके स्वास्थ्य का हाल जानना हर कोई चाहता है। देखिए, अगर लालू जी को एम्स पूरे तरीके से फिट करार देता है और उसके बाद उनको कहता है कि वापस इनको अब रांची जाना चाहिए, तो मुझे लगता है उनको सीधे जेल भेजना चाहिए। लालू जी राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो हैं, इसके साथ साथ बिहार जैसे राज्य के बड़े लीडर हैं और स्वाभाविक तौर पे उनकी तबीयत खराब है तो वो इलाजरत हैं और इस दौरान वो रिम्स में इलाजरत हैं या एम्स में इलाजरत हैं, तो परिवार सगा संबंधी अगर मोहब्बत है तो स्वाभाविक तौर पे लोग उनसे मिलने जाते हैं या लोग किसी भी प्रकार का लोग मिलने जाता है, तो ये हमें लगता है कि कोई बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है। इनको जिस तरह से मतलब मिलना चाहिए सुरक्षा इनको और इनका जो इलाज वगैरह जो डॉक्टर का सलाह के अनुसार जो चल रहा है वो सही दिशा में चल रहा है और जो भाजपा के लोगों को ऐसा लगता है कि रिम्स में रहने से या फिर ये जो है सो लोग से मिलते जुलते हैं, तो ये बीमारी आदमी है, जिस तरह से बीमारी इनको ग्रसित है तो तमाम इनके जो लोग हैं खास के इनके चाहे चहेते लोग हैं विश्व इनसे जो खास पार्टी के लोग हैं चाहे रिलेशन के लोग हैं, स्वाभाविक है कि लोगों को मिले जुलेंगे और मिलने जुलने का प्रक्रिया को ये जो है गलत तरीके से इनका जो सोच है भाजपा के लोगों को ये गलत है। चारा घोटाले मामले में जेल में बंद लालू प्रसाद के ऊपर रिम्स के केली बंगला से लेकर पेइंग वार्ड तक जेल मैनुअल उल्लंघन का आरोप लगता रहा है। ऐसे में जेल प्रबंधन भी विवादों से बचने के लिए एम्स निदेशक से जवाब की प्रतीक्षा कर रहा है, जिसमें अगर रिम्स में रखने का सुझाव मिलता है तो लालू रिम्स में रहेंगे, अन्यथा उन्हें होटवार जेल में ही रहना होगा। हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार की माने तो लालू पर जिस तरह के आरोप लगते रहे हैं वैसे में जेल में ही उन्हें रखना उचित होगा। लालू जी के मामले में एक परमानेंट और पेरिनियल डिजीज है, जैसे मान लीजिए शुगर का है, हाई ब्लड प्रेशर है, हमको भी है आपको भी है, शुगर भी होता है, सबको होता है, ये फैक्टर रहने से वो प्रिकॉशन लेना है, वो कोई डिजीज़ नहीं है। लेकिन चूंकि हाई प्रोफाइल आदमी है, हमारे यहाँ कानून जो है कहीं ना कहीं कहा जाता है इक्वल फॉर एवरीवन, ये है नहीं, वो लालू जी के लिए भी नहीं है। वो वहाँ स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे, ऑनरेबल हाईकोर्ट ने जब आदेश दिया तो वे चले गए वार्ड में, और वार्ड से बेसिकली इनको रखना चाहिए था जेल में, और जेल में मेडिकल व्यवस्था करे शुगर टेस्ट के लिए, ब्लड प्रेशर टेस्ट के लिए, वहाँ डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, बाकी लोगों के लिए भी है। जानकारों का मानना है कि लालू प्रसाद हाई कोर्ट से जमानत मिलने की प्रतीक्षा में हैं, जो दुमका ट्रेजरी से जुड़े केस में आधी सजा की अवधि अप्रैल में पूरी हो रही है। हालांकि डोरंडा ट्रेजरी से जुड़े केस की सुनवाई में आई तेजी लालू के लिए मुश्किलें बढ़ा सकती हैं।
भुवन किशोर झा, ईटीवी भारत, रांची।